कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जमा हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। वीएचपी के सदस्यों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने राज्य में लागू धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। वहीं कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने भी अपने समर्थकों के साथ हुबली के विजयनगर पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ी। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ऐलान किया था कि मंगलवार को देश भर के प्रमुख मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। संगठनों ने इसे हनुमत शक्ति जागरण अभियान नाम दिया था। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली की एंट्री उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने पिछले हफ्ते घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कहा, राज्य में सरकार में आते ही वो बजरंग दल पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। वीएचपी के महासचिव मिलिंद परांदे ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कांग्रेस और कुछ अन्य हिंदू विरोधी नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह बहुत ही अपमानजनक है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि बजरंग बली कांग्रेस और अन्य संगठनों को सद्बुद्धि दे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।